अब तक आपने देखा? कहाँ थे कल रात? पूनम के घर के बाहर। तुम जानना चाहते थे कि वो वहाँ ठीक तो है ना? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हमने कहा ना कि हमको भगवान में कोई विश्वास नहीं है। हम मानते हैं भगवान को। कभी देखा है भगवान को? हर वो चीज सच नहीं होती, हमें विश्वास है भगवान पर। और हमको हमारे प्यार पे विश्वास है। अब देखिए आगे। ये प्रसाद मिठाई समझ कर ही खा लीजिए। ठीक है तो तुम ही खिला दो। ये मिठाई तुमने बनाया है? अच्छा बना है। एक और खिलाओ। घोर कलयुग है, बताओ आज तक हमारा हाथ से प्रसाद नहीं खाया? बीवी ने दिया तो गटक गया। वाह, ऐसा चलता रहा ना तो दो दिन में ये छोकरी हमारी जगह ले लेगी, हमारा लाखन पर राज करेगी। फिर हमारा क्या होगा? हमारा राजपाट तो दिया। शांति रखो। लाखन का सर से ना उनमिया का भूत जो है उतारना पड़ेगा। चाचा देखे रगड़ रगड़ के चमका दिया, एकदम नई जैसी हो गई है। राम राम भूषण ठाकुर। राम राम तिवारी जी, आज सवेरे सवेरे यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बस हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचे आपको प्रणाम करते हुए चलें। वैसे लाखन ठाकुर से भी मुलाकात हो जाएगी, अब शादी में तो बुलाए नहीं है तो हम सोचे कि शुभकामना ही दे दें। कामना की उम्मीद रखने वाले तिवारी जी, शुभ कहां से लेके आओगे? यही स्टाइल जो है ना आपका और यही स्वभाव, अरे इसके तो हम कायल हैं एकदम से। वैसे हम एक बात बताएं, आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आए हैं हम। बोले
हमेशा गाली देने वाला मक्खन कैसे लगा रहा है? भैया जी एक बार इशारा कर दीजिए, यही सिर फोड़ देंगे। मजाक बहुत करता है आपका साला लाखन ठाकुर। मिट्टी डालिए बीती बातों पर। वैसे पूरा बेगूसराय जो है ना आपको बाहुबली मान रहा है, और हम भी मान रहे हैं आपको बाहुबली। अब जो है हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। बेगूसराय का जो सरकारी टेंडर है ना आपको दिलवाएं हम, हाँ वो भी 10% पे। बोलिए तिवारी, तुम भैया को धोखा दे रहे हो। बहुत ही भोले हैं आप भूषण ठाकुर। अरे भाई उगते हुए सूरज को प्रणाम कीजिए, काहे आप वो डूबते हुए सूरज के पीछे भाग रहे हैं? हाँ अब बोलिए लाखन ठाकुर जी, बोलिए क्या कहते हैं। काम तो हम करेंगे तिवारी जी, लेकिन अपनी शर्तों पे। तो मंजूर है ना, आपका सब शर्त हमको मंजूर है। काम करिए आज ही आप जाके ना फॉर्म भर दीजिएगा। प्रणाम प्रणाम भूषण ठाकुर, प्रणाम। हमारे घर के आदरणीय और पूजनीयों की वजह से लाखन का पूनम से विवाह हो गया, और वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था। जिन कुत्तों के आगे हम टुकड़े फेंका करते थे, आज वो दूसरों के आगे तुम हिला रहे हैं। तिवारी, जिसका हिम्मत नहीं होता था हमारे सामने खड़े रहने का, लाखन को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। अब स्टाइल को दिखाना पड़ेगा ना। भीमा, जीप निकाल, दो चार आदमी भर उसमें, आते हैं उसका सर्विसिंग करते हैं। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? हम क्या कर रहे हैं प्रियो, वो हमें पता है और वो काफी है। हर बात का अप्रूवल लेना जरूरी थोड़ी तुमसे। धमाका करने जा रहे हैं, वरना लाखन और सर पे चढ़ जाएगा। और उस धमाके का असर किस पर होगा पता है आपको? पूनम पर। लाखन अपनी हार का गुस्सा पूनम पर निकालेगा। पूनम पूनम पूनम, जिंदगी में और भी गम है पूनम के सिवा, ठेका नहीं ले रखा उसका। उसने आपके परिवार का ठेका लिया ना, अपनी पूरी जिंदगी उस राक्षस के हवाले कर दी, और आप उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी आसिकी के लिए अब कुछ नहीं खो सकते हैं प्रियो। बड़ा स्टाइल में बंदूक लेके गए थे ना सब, थूक के चली गई वो, तुम्हें धोखा देके चली गई, उसके बावजूद उसके भले का सोचते रहते हो। हाँ सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे आखिरी सांस तक। तो सोचते रहो ना, तुम सोचते रहो, सामूहिक विचार थोड़ी करेंगे सब, परिवार के दूसरे लोग दूसरा काम भी करेंगे ना। आते हैं तिवारी का दिमाग ठिकाने लगा के। मिथिलेश, बड़ी मुश्किल से ये खून खराबा थमा है। हमारे बच्चे बेफिक्र घूम खेल रहे हैं, हमें अब शांति चाहिए बस। शांति ही लेने जा रहे हैं दादी, उन सबको शांत कर देंगे तो शांति भी आ जाएगा। मिथिलेश दादी प्लीज, अब मत रुकिएगा, सब खो चुके हैं, अपना इज्जत अपना नाम सब खो चुके हैं दादी, अब धंधा तो रहने दीजिए। धंधा नहीं खोना चाहते हैं, सर्वाइव तो करने देंगे ना, अब मत रुकिएगा दादी। कुछ भी करने से पहले हमें अपने दोनों बेटों से बात करनी है। पुलन, भूषण को बुला। अरे भैया जी, तुम्हारी सिस्टर के हाथी आप काफी लकी हो गए, मतलब शादी के बाद बेगूसराय की हवाई बदल दी, क्या बात है। वैसे हम तो कह रहे हैं कि आपका धंधा काफी चलने वाला है, बहुत तगड़ा चलने वाला है, अब हम तो बस मामा बनना चाहते हैं। भैया जी चुप काहे हैं, कुछ बोल काहे नहीं। मतलब अबे कुछ भी बोलते हो, पूनम हमारी पत्नी है,
हम घबराएंगे, हम शर्माएंगे। बाप रे, ये पानी तो गला तक आ गया। हमारा नाव कभी भी डूब सकता है। अरे रेखा देवी, तूने मगर लाखन का बच्चे की माँ बन गई ना, तो जिंदगी भर आया बन के रह जाओगी। हाँ, कुछ तो सोचो, कुछ तो। इससे पहले कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल ना जाए, कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखो पूनम, प्यार दो ही सिचुएशन में होता है, या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। और हम तुम्हारे हो चुके हैं। दुल्हन बेटा, फोन है नज़मा का तुम्हारे लिए, देखो। थैंक यू। हेलो। हेलो की बच्ची, एक फोन नहीं कर सकती हमको? ससुराल जाकर भूल गई क्या? नजमा, हमारा फोन खराब था, तुम बोलो कैसे फोन किया? ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए। हम ठीक है। शादी हो जाने के बाद कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड से इतना भी कम नहीं बोलता। बोल दो, सारे दुख सुख सुनने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। दोस्त किस लिए होते हैं? क्या बोले, सब कुछ तो तुम जानती हो। प्यार किसी और से और शादी नजमा, हम सोच रहे हैं कि हम सब कुछ लाखन को जाकर बता दें। कौन सा सच बताने की बात कर रही हो? यही कि हम प्रियम से प्यार करते थे। और तुम जानती हो ना, अगर लाखन को ये सब पता चल गया तो वो क्या करेगा? हाँ, हम जानते हैं, उनको तकलीफ होगी, गुस्से में शायद हमें मार ही डालेंगे। लेकिन वैसे भी तो हम तो उनको सुहागरात को ही सब कुछ बता देने वाले थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब हम और इस डर और इस झूठ के सहारे नहीं जी पा रहे हैं नजमा। हम अपनी आगे की जिंदगी कोई सच छुपा कर नहीं शुरू करना चाहते। फिर आज कुछ भी है, हम बोल देंगे कि हम प्रियम एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। हम बोल देंगे कि हम प्रियम एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। तूफान लाने का जरूरत ही नहीं है, यहां तो प्रेम का हवा बह चुकी है। ये हवा जो है ना, तूफान बनकर पूनम की जिंदगी डुबो देगी। लेकिन दुल्हन रानी ये बोलेगी कब? हमसे तो और इंतजार ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम है ना तुम्हारे सासू माँ, तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर देते हैं। दुल्हन रानी, तिवारी खुद आया था लाखन के पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर, और लाखन वो तो पहले से ही स्टॉक में है
कि कब आपसे आगे निकल जाए। अरे हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, लेकिन जो रास्ता लाखन ने चुना है ना, उस रास्ते से नहीं। कल को अगर कंट्रैक्ट में कोई झोल आ गया तो तिवरिया तो अपना पल्ला झाड़ लेगा, जेल जाएगा लाखन। तिवरिया को जानते हो ना, एक नंबर का सपोला है वो। जानते हैं भैया, लेकिन लाखन को कौन समझाए, वो तो अश्वमेघ यज्ञ की तरह अपना घोड़ा छोड़ चुका है। उस घोड़े को रोकते हैं तो खून खराबा होगा, और नहीं रोकते हैं तो राजपाट जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है अम्मा। कब तक रोक पाएंगे मिथिलेश को? आज नहीं तो कल वो लाखन से टकराएगा ही, और हमें लगता है कि हम दोनों भाइयों में से किसी एक का बेटा तो जाएगा ही जाएगा। यानी पुन्मी की कुर्बानी भी बेकार ही जाएगी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा, कि आखिर लाखन के मन की खटास को कैसे निपटाएंगे। हम औरतें इसमें माहिर होती हैं। रसोई में खाना खट्टा हो जाए या कड़वा हो जाए तो क्या करते हैं, उसमें मीठा डालते हैं। इतना मीठा कि खट्टा भी उसमें घुल के मीठा बन जाए। क्या कहना चाहती हैं अम्मा आप? लाखन के मन में खटास है, लेकिन हमारे मन में नहीं। हम उसको अपने साथ मिला सकते हैं। हमारे परिवार की मिठास उसका जहर कम कर देगी, और जब सारे भाई एक बर्तन में बना खाना खाएंगे और एक घड़े का पानी पिएंगे तो ये नफरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फूलन, तो आप ये कहना चाहती हैं कि अब हम सब साथ साथ एक छत के नीचे रहें? हाँ, 20 साल पहले इस घर की सुख शांति के लिए तुमने बंटवारा किया था, और शायद उस वक्त के हिसाब से वो फैसला सही था। तो आप चाहती हैं कि हम अपना फैसला बदल दें? तुम ही कहते हो ना फूलन, कि दुनिया में कोई भी फैसला बदला जा सकता है अगर आज में उसकी जरूरत हो तो। आज का समय भी उस बंटवारे के निर्णय को बदलना चाहता है फूलन। इस ना खत्म होने वाली लड़ाई का बस यही एक तरीका है, नहीं तो बेगूसराय महाभारत का कुरुक्षेत्र बन जाएगा। एला खान किधर गया? अरे देखिए, बेवफा दुल्हन का बेवफाई का किस्सा जो है ना, हमारा जुबान पे फड़फड़ा रहा है, और यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं। अरे ए बेटा, सुनिए, यहाँ अभी तक कोई मरा नहीं है, इतना फूल काहे के लिए लाए हो? हैं? देखो अम्मा, ये जो तुम हमसे बार बार मजाक कर रही हो ना आजकल, हमको अच्छा लग नहीं रहा है। काहे? काहे से कि हमारा नया नया ब्याह हुआ है, तो ये बात बात पे काहे टोकते रहती हो? ये फूल तुम्हारे बहू के कमरे के लिए मंगवाए हैं। हाँ, तो हमने कब मना किया? सजाओ सजाओ, कमरा सजाओ, हम ही को बोल देते, हम सस्ते में दिलवा देते हैं, पहचान का है। छोटी ठाकुराइन, कहाँ रहती हो? कब से आवाज दे रहे हैं ना? जी हम, जी तुम,
चलते हैं। तुमको फूल बहुत पसंद है ना? जी। आओ। याद है जब तुम स्कूल जाती थी तो बस्ते भर के यही फूल लाती थी? जी, ये फूल। हाँ, कमरे में ले जाओ, हम आते हैं। ये फूल रुको,